तो आज मैं जा रहा हूँ एकदम डीप फॉरेस्ट में सोलो कैंपिंग के लिए। रात होती ही आपको पता है जंगल में नज़ारे कुछ चेंज हो जाते हैं। तीन बजे के आसपास मेरी नींद खुली और बहुत तेज आवाज आई। सो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो पे। आज की वीडियो एक डीप फॉरेस्ट से शुरू हो रही है। डीप फॉरेस्ट कैंपिंग आज मैं करने वाला हूँ, वो भी सोलो कैंपिंग। आज से अगर आप मुझे एक दो साल पहले से अगर फॉलो कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही डीप फॉरेस्ट में कैंपिंग किया करता था। तो फिर से बहुत सारे लोगों को ना सोलो कैंपिंग देखना पसंद है, वो भी डीप फॉरेस्ट में। और जिसको सोलो कैंपिंग पसंद है या फिर डीप फॉरेस्ट कैंपिंग पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब से लगभग आपको हर वीडियो ऐसे डीप फॉरेस्ट में देखने को मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे को। आज मैं जिस फॉरेस्ट में जा रहा हूँ वो फॉरेस्ट भाई काफ़ी डेंजर है। देखो 4 किलोमीटर हाइक करने के बाद मैं इस जगह पे पहुँचा हूँ। सामने आप देख सकते हैं पूरा एरिया कैंपिंग के तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि ना इस पे पूरी झाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। सबसे पहले आपको जब भी कैंपिंग कर रहे हो ना, आप एक चीज़ आपको देखना है कि आसपास पानी ज़रूर हो। तो मुझे इस जगह पे पानी की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे कैंपिंग करना बिल्कुल सही रहेगा या फिर बेस्ट रहेगा। यहाँ से आगे गया तो फिर पानी मिले या ना मिले तो मैं पीछे वाली साइड को जाऊँगा कैंपिंग के लिए। तो मुझे ये वाली जगह थोड़ी सही लग रही है, जंगल के बीचों बीच थोड़ी शेप भी है, पास में पानी भी है। तो आज की कैंपिंग मैं करने वाला हूँ इस जगह पे। तो आज पहली बार डीप फॉरेस्ट में कैंपिंग होगी इस टेंट के साथ। इस घने जंगल में टेंट के अंदर ऐसा फील आ रहा है कि मतलब घर है, सेफ फील हो रहा है। चलो टेंट पे चल जाओ अपना। तो टेंट पिच करने के बाद टिप्स नंबर 1 ये है कि अगर आप डीप फॉरेस्ट में कैंपिंग कर रहे हैं ना, तो रात होने से पहले सबसे पहले आपको पानी और अगर लकड़ियाँ चाहिए तो फिर लकड़ियाँ वो उसकी व्यवस्था कर लेनी पड़ती है।
वरना रात को तो आप जा नहीं सकते। अगर पानी दूर है तो फिर तो बहुत दिक्कत है। अपने तो क्या है कि आज पानी नज़दीक में है, तो मैं क्या करूँगा, पहले जाऊँगा पानी लेने, उसके बाद बनाऊँगा एक चाय पियेंगे इस फॉरेस्ट में आके, और उसके बाद देखते हैं। अभी टाइम शाम के 4 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है कि 6 या 6:30 टाइम हो गया होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा भी जल्दी होगा। एकदम डीप फॉरेस्ट है जहाँ पे धूप तो लगभग 3 बजे के आसपास ही चली गई थी यहाँ से। तो सबसे पहला काम पानी लेके आते हैं। टेंट क्लोज ना हुआ ना भाई, टेंट के अंदर कुछ भी घुस सकता है, स्नेक या फिर कोई और इंसेक्ट। तो पहले पानी नज़दीक में है। अपना टेंट वो पीछे आपको दिख रहा होगा, उस पेड़ के जस्ट पीछे पे, और सामने ही पानी है, यहाँ पे पानी है, तो यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा थोड़ा। ये रहा पानी, एकदम शुद्ध पानी भाई। पानी आ चुका है अपना, तो चाय बनाएंगे सबसे पहले। आप में से किस किस को डीप फॉरेस्ट कैंपिंग पसंद है कमेंट ज़रूर करना। और जल्द ही एक नई प्लानिंग चल रही है अपनी, कि प्लान कुछ ऐसा है कि मैं रहने वाला हूँ, या फिर हम लोग चंद भाई और मैं एक डीप फॉरेस्ट में 7 दिन रहेंगे, ठीक है, जिसमें हम करेंगे हॉट टेंट कैंपिंग, थोड़ा बुशक्राफ्ट टाइप का करेंगे। तो किस किस को देखना है, इस टाइप का कंटेंट देखना है, तो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि तो प्लानिंग चल रही है, जल्दी वीडियोस आएंगी वो वाली, तो मज़ा आने वाला है भाई। जो अपना हॉट टेंट है वो भी बस पहुंचने ही वाला है, स्टोव तो अपने पास है ही, बस जैसे हॉट टेंट आ जाएगा हम निकल पड़ेंगे भाई फॉरेस्ट एरिया में कैंपिंग करने। अच्छा, चाय का सामान अपने कप में रहता है, जैसे कि दूध हो गया और चाय पत्ती वगैरह। यहाँ पे अभी बैकग्राउंड में हिरन, पंछियों की आवाज़, अन्य कोई जानवर है पता नहीं, 2-4 और भी आवाज़ें आ रही हैं अलग अलग जानवरों की, जंगल में ही रहता है। चाय उबल चुकी है, गर्मा गर्म चाय। जंगल में आके ना चाय का टेस्ट ही बढ़ जाता है, मतलब इसका स्वाद ही बढ़ जाता है चाय का। हुआ तो यहाँ पे ना ठंड काफ़ी ज़्यादा है,
मुझे लगा था कि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होगी पहाड़ों की अपेक्षा, लेकिन जंगल में भी काफ़ी ठीक ठाक ठंड है भाई यहाँ पे भी। तो रात हो चुकी है, रात होती ही आपको पता है जंगल में नज़ारे कुछ चेंज हो जाते हैं। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है अपना कि जो डिनर बनेगा वो जल्दी बना लूँगा मैं, क्योंकि तो ज़्यादा रात में कुकिंग करना मतलब इतना सेफ नहीं है, आसपास थोड़ा बहुत जंगली जानवरों का भी डर है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं बनाऊँगा चावल। अगर मैं बोलूँगा आपको कि यार ठंड लग रही है, तो आप वही बोलोगे भाई तुम्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो चावल साइड में बन रहे हैं, अभी लगभग बन चुके हैं, तब तक मैं कटिंग कर लेता हूँ। चाकू थोड़ा इतना शार्प नहीं है, इसमें दिक्कत होती है कटिंग में, पर सोलो कैंपिंग में ना हल्के हल्के सामान लेके आने पड़ते हैं, वरना वेट कुछ ज़्यादा ही हो जाता है भाई। तो आज मैं चिकन की जो डिश बना रहा हूँ ना, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से बना रहा हूँ। आप बोलोगे फॉरेस्ट में चिकन खाना शुरू करते हैं भाई, तो क्या ही कर सकते हैं भाई। अगर सिंपल सा दाल चावल या फिर रोटी वगैरह दिखाऊंगा तो आप देखना पसंद नहीं करोगे, तो मैंने सोचा भाई आज भी चिकन बना लिया जाए थोड़ा डिफरेंट टाइप से। तो आज के जो चिकन में स्पेशल चीज़ है वो है आलू। आपने अगर खाया हो तो बताना, मैंने पहले खाया था एक बारी और मज़ा आया भाई। तो आलू को सिंपली थोड़ा मोटा काट लेना है, ठंड का मौसम है, थोड़ा मिर्च डालते हैं, खाना थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं, थोड़ा इतना बारीक नहीं काटेंगे मिर्च को, थोड़ा मोटा मोटा ही काटेंगे। भाई चाकू तो मिर्च तक नहीं काट पा रही, इसका मतलब काफ़ी स्पाइसी होंगी मिर्च। टाइम हो चुका है चिकन बनाने का,
सरसों का तेल था तो टाइम लग गया, और यार खाने के असली मज़े तो सरसों तेल में ही है, सरसों के तेल में ही है। तो पहले क्या करेंगे ना कि जो आलू है तो उसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे ताकि एक अलग सा जो फ्लेवर रहता है ना पूरा आ जाए इसमें भाई, फिर तो मज़े ही मज़े। तो देखो ये अब फ्राई हो चुके हैं, इसको निकाल देंगे। और इसी ऑयल में हम डालेंगे पहले भाई खड़ा मसाला, क्योंकि अब वही नॉर्मल तरीके से बनेगा चिकन। अरे पत्ता निकल गया भाई, पहले प्याज प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें डालेंगे हरी मिर्च और साथ में टमाटर भाई। सबसे पहले भाई आएगा अपना किचन किंग, मैंने आज ये काम किया ना, इसमें क्यूमिन कोरिएंडर साथ में गरम मसाला एक साथ डाल दिया सारा मिक्स, हल्दी थोड़ा, मिर्च, मिर्च वैसे है तो हल्का डालेंगे। फिर आ गया ये कोई अनजान महल है, मुझे नहीं पता चलता आज ये क्या है, फिर भी डाल देते हैं। खुशबू पूरे जंगल में फैल गई, कहीं कोई जानवर अटैक ना कर दे। फर्स्ट डालेंगे आलू जो कि फ्राई किए हुए हैं, को डालते ही वाह मुंह में पानी आ गया ये देख के। अब साथ में चिकन भी डाल देंगे, चिकन खूब सारा है, दो लेग हैं आज, पर आदमी एक ही है, दिक्कत ही है। तो ऑलमोस्ट रेडी अपना आज का डिनर, आलू चिकन विथ चावल। तो देख सकते हैं आप बाहर पे चिकन लगभग रेडी हो ही चुका है, पर बाहर पे बैठ पाना बहुत मुश्किल है, तो मैं टेंट के अंदर बैठ गया। बस 5 मिनट की देरी है, जैसे चिकन रेडी होता है बैठ के खाएंगे। देखो चिकन
काफ़ी अच्छा लग रहा है चिकन देखो ये। चलो तो फाइनली चिकन भी रेडी हो चुका है, अभी चावल प्लेट में साथ में चिकन भी। खाना शुरू करते हैं, पहले टेस्ट करूँगा मैं चावल और ग्रेवी की। कुछ अलग है, साथ में आलू, वाह आलू के अंदर भी चिकन का टेस्ट आ रहा है, अच्छा है। अभी यहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है भाई, वो तो फील हो रहा है खतरनाक ही, साथ में गर्मा गर्म खाना हो तो फिर। भाई बहुत गर्म है, तो मैं जल्दी से इसको सारा फिनिश करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। खाना खाने के बाद बिना किसी देरी के आप सो जाएंगे। थोड़ी सरफेस इतनी बराबर है नहीं, कहीं पे ऊंची कहीं पे नीची, पर भाई फॉरेस्ट में ऐसा प्रॉपर कोई स्पॉट नहीं मिल पाता जहाँ पे हम आसानी से सो पाएँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अभी सो जाता हूँ मैं, ज़्यादा मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई रात में ही भाग गया टेंट वेंट उठा के, तो आपको सुबह तक दिखाएंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई जब कहा जाता है कि ओवरनाइट कैंपिंग है तो फिर वो ओवरनाइट कैंपिंग ही होती है। ठीक है, तो गुड नाइट गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में। चलो टेंट करते हैं क्लोज। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बज चुके हैं और मेरी नींद ना आज लगभग सुबह के 4 बजे खुल गई थी और रात में कुछ हलचल हुई थी, ज़्यादा मैंने शूट किया नहीं क्योंकि फिर आप लोगों को लगेगा कि एक्टिंग हो रहा है भाई, है ना, तो मैंने कुछ चीज़ शूट करने की कोशिश नहीं करी। और मैं सुबह 4 बजे उठ गई भाई, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई 4 बजे के बाद, तो मैं पैकिंग पर लग गया, थोड़ी बहुत सामान मैंने पैक कर ली, चेयर वगैरह। तो और रात में ना टेंट अपने आप ही इसका जो शेप है वो पूरा चेंज हो गया क्योंकि ना जो इसके फैग्स हैं वो यहाँ पे मिट्टी एकदम ढीली है पूरी, तो उसकी वजह से सारे खिसक गए।
और टेंट देखो शेप कैसा बन गया है। देखो यहाँ पे पूरा लूज हो गया पूरा टेंट। 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुली, मतलब अचानक से आवाज़ें आ रही, कोई जानवर वगैरह के आसपास से जा रहे थे। मुझे लगा ना कि जो जंगली सुअर रहते ना उनकी पूरी झुंड जा रही थी यहीं से कहीं से गुजरी, और बहुत तेज़ आवाज़ आई। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। तो देखो टेंट का शेप पूरा बदल गया भाई, पूरे लूज हो गए इसके पैक्स, क्योंकि मिट्टी ना यहाँ पे बहुत ढीली है, एकदम नमी है पूरी। तो यही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम भाई 90K के बिल्कुल करीब हैं। तो 90K करवा दो एक बारी, उसके बाद 100K भी हो जाएंगे जल्दी। तो अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं वो कुछ अलग आने वाली हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ नया कुछ आने वाला है। तो बने रहना चैनल के साथ, मिलते जल्दी। तो सारी पैकिंग करने के बाद मैं निकल चुका हूँ घर की तरफ, और